एक मखलूक है बहुत बड़ी, तादाद बहुत ज्यादा है, फसादात भी उनमें बहुत ज्यादा है। आयतुल कुर्सी पांचों फर्ज नमाज के बाद सुन्नत के लिए जगह बदलते बदलते पढ़ना एहतमाम के साथ, जिनों के सलातीन पर दस्तरस हासिल हो जाएगी, लेकिन काम कोई न लेना, काम कोई न लेना। और तीन आयतें आयतुल कुर्सी तीन दफे पढ़ने के बाद तीन आयतें पढ़ लो और जिन्नी को दम कर लो, उसी वक्त इफाका हो। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तन्फुजू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुजू ला तन्फुजूना इल्ला बिसुल्तान वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून दो वलकद अलिमत الجنة انهم لمحضرون। ये तीन आयतें पढ़ो और पढ़ने से पहले अपने ऊपर भी कुछ पढ़ो, कहीं ऐसा नहीं कि शादोला बना दे। तो उससे मुझे पता नहीं था, मैं एक जिन्नी को देखने गया तो जब उठने लगा तो कुर्सी मेरे साथ उठती थी, कुर्सी बांध ली मेरे साथ। कच्चा आमिल नुकसान करता, पहले अपने आप को सैर करो तब काम बनाओ। और उसके लिए ये तरीका है कि आयतुल कुर्सी में नागा ना करें, अगर कभी भूल गए तो एक ही टाइम में फिर 25 मरतबा पढ़ ले, फजर में पढ़ ले, शाम में पढ़ ले, 25 मरतबा आयतुल कुर्सी को रूह का हिस्सा बना ले, रूह का हिस्सा। और आखिरी चार कुल सूरह काफिरून तीन दफा, सूरह इखलास तीन दफा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तीन दफा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास तीन दफा, औज़ु बिल्लाह व बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ लो, इसके साथ ना पढ़ो। और तेज चाकू या छुरे पर दम कर लो, फिर अपने यहां सड़ी में रखो, कोपड़ी के बीच में इधर रखो और ऐसे कान की तरफ आ जाओ, फिर इस तरह अपने हाथ को भी कोई हिस्सा छोड़ना नहीं, ऐसा दाएं पांव अंगूठे उंगलियों से होते हुए बाएं पांव पे आ जाओ और यू वहां तक दोबारा पहुंचाओ, फिर जाकर के जिन्नी को दम करो। असन ची छटाका ही दी फकर हुसैन और कोटे तक है लडेर जी ने कही मस्ती जी खाई बजी की पाव छटाकाई बजी की। जिन्नात भी बड़े बदमाश है, अव्वल दर्जे के बदमाश है।